नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी इस टाइम लाइव हो चुके हैं वायरल हरियाणा के साथ। और इस टाइम हम मौजूद हैं पानीपत के सेक्टर 12 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है अवैध की जमीन पर कब्जा बताया जा रहा था और इनकी जो है कल ही मकान तोड़ दिए गए सारे। और आज जो है इनको यहां से बिल्कुल ही हटाने के लिए यहाँ पर जो है JCP की मशीन और हुड्डा के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। पहले ही देख सकते हैं आप, इनका गरीब लोगों का बुरा हाल हो चुका है, इनके मकान टूट चुके हैं। ये हाथ जोड़कर जो है इनसे नम्र निवेदन इस टाइम करते हुए आपको लाइव तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे भी आपको रोते हुए नजर आ रहे होंगे, देख सकते हैं आप। अरे ये क्या बात हुई, आप ये बताओ, हम तो कानून के दायरे में रह के देख सकते हैं। बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाएं हाथ जोड़ती पैर पड़ती हुई नजर आ रही है आपको लाइव तस्वीरों में हुड्डा के अधिकारियों से। लेकिन यहाँ पर जो है हुड्डा के अधिकारी जो है बिल्कुल बात सुनने को जो है यहाँ पर माननीय इसका हो जाएगा, मतलब मैडम जी हाथ जोड़ गए, हम लिखित में दे देंगे, मैडम मतलब छोटे बच्चों को शुरू से करो। लाइव तस्वीरों में आप इस टाइम नजर हो पा रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं उपस्थित हैं वो भी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रही है कि हमें सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दे दिया जाए। लेकिन हुड्डा के अधिकारी यहाँ पर बिल्कुल सुनने को भी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं इन गरीब लोगों की। इस टाइम लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो है JCP मौजूद हो चुकी है और इनके मकान कल ही तोड़ दिए गए थे, आज इनको जो है बिल्कुल जमीन से ही यहाँ पर हटा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में जमीन है, हमारे माँ बाप हमारे सारे हैं। देख सकते हैं पूरा परिवार हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें एक हफ्ते का टाइम दे दिया जाए, लेकिन एक हफ्ते का टाइम नहीं दिया जा रहा। टाइम दिया था जी जनाब, टाइम दिया था एक हफ्ते का, फिर जब देख सकते हैं लेकिन इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जा रहा है और इनकी यहाँ पर जो आशियानों को हटा दिया जा रहा है। ये परिवार जो है एक हफ्ते का टाइम, एक हफ्ते की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, रोता बिल्कुल आता हुआ यहाँ पर जो है परिवार आपको नजर आ रहा होगा, रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, ठंड का समय है, किस तरह रहेंगे। खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, इससे आगे क्या करें, मोदी सरकार क्या करेगी इसमें, भाजपा सरकार क्या। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आपको लाइव तस्वीरों में रोते नजर आ रहे हैं इस टाइम आपको लाइव तस्वीरों में कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे। लेकिन हुड्डा के अधिकारियों द्वारा जो है इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही और इनको बोला जा रहा है कि अगर आप आराम से नहीं हटेंगे तो हम जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर बुला लेंगे। देखिए पहले ही मकान इनके कल ही तोड़े जा चुके थे और आज जो है इनके पूरे आशियाने भी हटा दिए जाएंगे, जो यहाँ पर इनका सामान है उनके ऊपर भी JCP चलाई जाएगी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके कानों में जू नहीं रेंग रहे, ये बच्चों का जो है दर्द भी नहीं समझ पा रहे हैं, रोते बिलबिलाते हुए यहाँ पर जो है बच्चे नजर आ रहे होंगे आपको लाइव तस्वीरों में। एक हफ्ते का समय दे दीजिए। देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है हुड्डा के अधिकारी पहुँच चुके हैं, माताएं हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही हैं, बच्चियां हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इनकी देख सकते हैं कोई सुनवाई नहीं की जा रही और यहाँ पर JCP आ चुका है और यहाँ पर जो है इनकी कार्रवाई जो है इनके मकान को पहले ही जो संपूर्ण रूप से टूट चुके हैं इनके बिल्कुल ही खंडर कर दिए जाएंगे। इस टाइम आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बिलख रहे हैं, मांग रहे हैं। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में कि JCP के आगे भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर देख
देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर हुड्डा के अधिकारियों के पैर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें जो है एक हफ्ते का टाइम दिया जाए, लेकिन हुड्डा के अधिकारियों के द्वारा जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जा रहा। और देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में यहाँ पर जो है जेई जो है पानीपत के उसके द्वारा जो है हाथापाई भी की जा रही है। देख सकते हैं थप्पड़ मारा गया है वहाँ पर उसको, देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो थप्पड़ भी मारा जा रहा है यहाँ के लोगों को, आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कोई भी जो है इनकी सुनवाई नहीं दे रही है, गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं माताएं जो हैं यहाँ पर हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही हैं, पैर पड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन इनकी जो है बात नहीं मानी जा रही है। और यहाँ पर हुड्डा के अधिकारियों के द्वारा देखिए पैर पड़े जा रहे हैं, माफी मांगी जा रही है। और एक हफ्ते का, सिर्फ एक हफ्ते का समय जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हुड्डा विभाग जो इनके द्वारा कहा गया कि ये जो हमारे हैं पुश्तैनी जगह है, लेकिन हुड्डा अधिकारी देखिए रो रो कर जो है इनका हाल बेहाल हो चुका है। माताएं रो रही हैं, बच्चियां रो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको लाइव तस्वीरों में रोते हुए नजर आ रहे होंगे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, एक हफ्ते का समय मांग रहे हैं बस। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में, तो इसको शेयर अवश्य करिए। देख सकते हैं हुड्डा के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हमें आदेश आया हुआ है, आदेश नहीं दिखा रहे हैं। देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो घर के लोग हैं प्रदर्शन करते हुए, लेकिन यहाँ पर जो है अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और जेसीबी जो है इनके मकानों पर चला दिया गया है, बच्चे रोते बिलबिलाते आपको लाइव तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, देख सकते हैं बच्चे रो रहे हैं, यहाँ पर जो है छोटी छोटी लड़कियां है वो भी रो रही है, बच्चे देख सकते हैं आप कितने मासूम बच्चे हैं और रो रहे हैं क्योंकि कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर इनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं, ठंड का समय है, कहाँ रुकेंगे, कोई भी जो है इनको अनदेखा कर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने घर को नहीं टूटने देंगे, आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस टाइम। और घरों का सामान जो है देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में, पहले से ही जो कल जो है इनके यहाँ पर जो है कल ही इनके जो है ये मकान तोड़ दिए गए थे। और कपड़े देख सकते हैं आप सारी बाहर है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, रहनेंगे कहाँ। और अब जो है बच्चे कुछ जो इनका एक कमरा बचा है उसको भी तोड़ने के लिए जो है यहाँ पर हुड्डा विभाग मौजूद हो चुका है और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। देख सकते हैं सारा घर का सामान जो है फैला हुआ है इस साइड, आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं हुड्डा विभाग के द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। तो आप इस पोस्ट को शेयर अच्छे कीजिए क्योंकि किसी गरीब का मामला है, सरकार नहीं सुन रही लेकिन जनता तो जानती है कि कैसे लोग अपने बच्चों का मजदूरी कर करके पालन करते हैं, बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप जब वोटों के दिन आते हैं तब जो है हाथ जोड़ जोड़ कर जो है वोट मांगे जाते हैं और आज जो है इनकी बिल्कुल सुनवाई भी नहीं की जा रही है। एचएसवीपी के जो भी हमारे कानून दायरे में रहते हुए एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। मैम इन्होंने हफ्ते का टाइम बोला है, हफ्ते का टाइम हमें दे दो जी। ऑलरेडी हम टाइम दे चुके हैं, हमारा जो एचएसवीपी का एक्ट है उसके तहत जो एविक्शन प्रोसीडिंग होती है हमें सेक्शन 18(1) और 18(2) का नोटिस देना होता है। 10 तारीख को हमने 18(1) का नोटिस दिया था कि भाई आप इसको विद इन 1 वीक खाली करो, और 18 तारीख को हमने इनको 18(2) का नोटिस दिया था कि भाई आप 27 तारीख तक खाली कर दें वरना मजबूरन हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा के पुलिस फोर्स के साथ हटवाना पड़ेगा। बट इन लोगों के द्वारा कतई भी इस प्रोसेस में सहयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल वो पैरों में गिर रहे हैं आपके, हफ्ते का टाइम मात्र मांग ले, क्या एक हफ्ते का टाइम भी उनको के बोल रहे हैं दे देंगे, एक हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं। टाइम तो जी पिछले 40 साल से ये इलीगल इनक्रोचर हैं, जब ये सेक्टर 11-12 काटा गया था तब से ही इनके अवैध पोजेशन में है। मेरे से पहले जो सुविधा डाका स्टेट ऑफिसर थी
तब भी उनके द्वारा भी कार्यवाही की गई थी, तब भी इन्होंने मौके पे कुछ इसी टाइप की गलत एक्टिविटीज की थी और FIR दर्ज करवाए गए थे। हम लोग पिछले ये एक हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं, हम तो पिछले 10-11 साल से ये साइट खाली करवाना चाह रहे हैं, जो कि इनके एक्ट्स की वजह से हो नहीं पाई है। अब मजबूरन हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा के पुलिस फोर्स के साथ कब्जा लेना होगा। मैडम, जय के ऊपर आरोप लगे कि 5 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने सुबह। देखिए जी, आरोप लगाना तो अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो दिखाए, आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। जगह इनसे बिलोंग नहीं करती, हम यही कहेंगे डिपार्टमेंट की जगह है ये। अगर इनके पास ऐसा कोई सबूत है तो इनकी जगह ये कभी भी किसी के सामने पेश कर सकते हैं। आगामी कार्यवाही जी मैं बता चुकी हूँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवाकर पुलिस फोर्स के साथ दलबल के साथ हम अपनी जगह का कब्जा। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, इतनी ज्यादा ठंड है, कहाँ जाएंगे उसका वो कुछ? तो जी देखो, इलीगल, दे आर इलीगल इनक्रोचर और ला की नजरों में इट इज नॉट जस्टिफाइड एनीवेयर। दिस प्लेस बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट और हमें इसका कब्जा लेना होगा। ऊपर से आदेश, उसके लिए अपना अरेंजमेंट करें। हम इनको पिछले, जैसे कि मैंने बताया, मेरे से पहले 2010 में आई थिंक सो, आज से 11 साल पहले ये जगह खाली करने के लिए अटेम्प्ट किया गया था, तब भी इन लोगों ने खाली नहीं होने दिया था। उस टाइम भी इसी टाइप की एक्टिविटीज थी, तो ये अपना अरेंजमेंट करें, ये हमारी जगह है, ये अपना अरेंजमेंट करें, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये बोल रहे कोर्ट में केस, नहीं नहीं कोई केस पेंडिंग नहीं है जी, सारे केस डिसाइड हो चुके हैं और मुख्य प्रशासक की तरफ से आदेश। अच्छा, एक और भी बड़ा सवाल है जी, अभी अभी पुलिस प्रशासन को आना चाहिए था अगर कब्जा छटवाना है तो। अभी अभी जो ये आपके साथ जो अधिकारी खड़े, इन्होंने हाथापाई वहाँ पर की अंदर, उसके बारे में क्या कुछ बोला था? लाइव तस्वीरों में इन्होंने हाथापाई तक वहाँ पर करी है। नहीं, वो तो आपने देखा, ये लोग हमारे ऊपर ही किस तरह से हावी हो रहे थे। ये तो देखो जी, वो लाइव तस्वीरों में अपनी जान बचाने के लिए तो जी इंसान को कुछ भी करना पड़ सकता है। ये लोग हमारे ऊपर ही, अगर मान लो यहाँ पे कोई गलत एक्टिविटी हो जाए या कुछ इस तरह का काम हो जाए तो क्या करेंगे? ये तो फिर हम भी अपने कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। बाकी इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को भी रोक दिया है कि भी नेक्स्ट टाइम हम पूरे प्रोसीजर के साथ ही अटेम्प्ट करेंगे। अब कितनी, एक हफ्ते का टाइम इनको मिल चुका है जी, फिर 2-3 दिन, वो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। बोल रहे हैं, देखो इतनी तो रिक्वेस्ट, एक हफ्ते का दे दो, एक हफ्ते का टाइम, एक हफ्ते में खुद बोल रहे हैं, लिखित रूप में बोल रहे हैं, लिखित रूप में ले लो। देखो जी, इतनी ज्यादा ठंड, आप भी समझदार हो जी, ये हायर अथॉरिटीज डिसाइड करेगी, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। इन्हें जो भी कहना है, जो भी बोलना है, ये लिखित में मुझे दे दें। हाँ। इनकी रिप्रेजेंटेशन मैं ऊपर फॉरवर्ड कर दूंगी, उसके ऊपर जो भी हायर अथॉरिटीज का डिसीजन रहता है उसी अकॉर्डिंग एक्ट किया जाए। हाँ, तो वही वही बोल रहे हैं जी, एक बार आप ऊपर तक पहुंचाओगे, जब तक आदेश नहीं आते तो हफ्ते का टाइम तो लगभग लग ही जाएगा जी। ये तो टाइम तो जैसा कि मैंने बताया 11 साल हो चुके हैं। लास्ट अटेम्प्ट 2010 में किया गया था, लास्ट अटेम्प्ट इन्हें हटाने का, तब भी ये लोग नहीं हटे थे और वैसे ये 40 साल से लीगल इनक्रोचर है हमारी जमीन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम 70 साल से यहाँ बैठे, हमारा दाद लाई जमीन है, मैं इसका मालिक हूँ। प्लाट 1000 गज है जी, 1210 गज है ये प्लाट, और इन्होंने अखबार में लिखा 250 गज है, 250 गज का कब्जा लेने के लिए आए हम। ये सरासर झूठ है, जबकि हम 1986 में इन्होंने एक नोट वो दिया था हमारे को, कभी आपका प्लाट बचा दिया। सुनो, वो आदमी जिनको, जिनके में यहाँ पर मकान बने हुए हैं, CM बंसीलाल जी थे उन दिनों, उन्होंने आदेश दिया था कि इनको वहाँ जगह दे दो। इन्होंने हुड्डा वाले ने ये सारी वेरीफाई करके 1987 में हमारे को 4 प्लाट दे दिए, 1299, 1290, 1291 और 1330, ये 4 प्लाट देने थे, इन्होंने 4 दे दिए। हम अपने अपने उस पर प्लाटों पर काबिज हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी इस स्टाफ की मिली भगत से बीच में चोर घुस गया, जबकि उसका जमीन में कोई लेना देना नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने 4 प्लाटों का अलाट करवा लिया, ये मेरा भी करवा लिया, लेकिन वहाँ डॉक्यूमेंट में तो इन्होंने ट्रांसफ़र या जो इनका हिसाब किताब बनता था उसमें कर लिया। लेकिन जब वो मौके पर देखने के लिए आया तो वो कहने, अभी ये प्लाट तो इस पर कोई और बैठा है, मैं कैसे लूँ, मैं नहीं लेता झगड़ा का सौदा। तो इन्होंने स्टाफ ने मिली भगत करके ये 1330 का अपार्टमेंट रद्द करवाया, कैंसिल करवाया। उसको करवाने के बाद फिर उन्होंने 1292 दे दिया, जो कि नजायज है, और इसीलिए सरकार हमारे पीछे पड़ी है, भाई ये 1330 उसके बदले में दे देंगे, क्यों दे देंगे, मर जाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है हुड्डा प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर जो JEE आए थे उनके द्वारा जो है JCB वापिस भेजा जा रहा है और बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो पुलिस प्रशासन को यहाँ पर लेके आएंगे ताकि इसी। सुनो, महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपति थे, माने आदमी, वो अपने देश के लिए 21 बार जेल में गए, हम मरने में जो तैयार है वो हमारा अपना राइट बनता है। तो हमारा क्यों कर रही है ये सरकार, किसानों का,
आपने लाइव तस्वीरों में देखा, आपको जेसीबी जो है जाता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर अनुपमा मलिक जो है यहाँ पर जो कह रही हैं कि हम कानूनी कार्रवाई कानूनों को लेके आएंगे, प्रशासन के आदमियों को लेकर आएंगे और इनके जो यहाँ पर रैन बसेरे हैं उसको हटाकर ही जाएंगे, इनको यहाँ से हटना ही पड़ेगा। गरीब लोगों के द्वारा 7 दिन की सिर्फ मांगी गई कि 7 दिन हमें दे दीजिए, 1 हफ्ता दे दीजिए, हम खाली कर देंगे, लेकिन हुड्डा प्रशासन के द्वारा इनकी बात नहीं सुनी गई। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये गरीब कि जो गुहार है वह एक जनता जरूर जान सकती है कि किस तरह वह अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दूं, देखिए किसी तरह जो है ये यहाँ पर मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन सरकार को यह भी हजम नहीं हुआ। देखिए सारा सामान इनका जो है यहाँ पर बिखरा हुआ है, सारा तोड़ दिया गया है, गाय भैंसे हैं यहाँ पर, किस तरह ये अपना गुजारा करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील रहेगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो है बड़े बड़े जो है अधिकारी है उन तक पहुँचे और वह कुछ व्यवस्था कर दे इनके रहने की भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।